पार्टी पक्ष और विपक्ष राजनीति की वजह से पंचायत में नहीं किया जा रहा विकास कार्य। नमस्कार, मैं आरके पवार और आप देख रहे हैं आरपीडी न्यूज। बाड़मेर जिले की पंचायत समिति बालोत्रा ग्राम पंचायत दूधवा में सड़क निर्माण में पैदल की बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन राजनीतिक कार्यकर्ताओं द्वारा इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा। वजह कांग्रेस में भारतीय जनता पार्टी पक्ष और विपक्ष का होना है। यहां लंबे समय से सड़क निर्माण की मुख्य समस्या बनी हुई है, लेकिन पार्टी पक्ष के चलते पंचायत का विकास कार्य नहीं किया जा रहा, जिसको लेकर आए दिन लोग परेशान रहते हैं, लेकिन फिर भी प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। ग्रामीणों की मांग है कि जल्द से जल्द इसका समाधान किया जाए। आरपीडी न्यूज से किशन सोलंकी। हम अभी पहुंचे हैं ग्राम पंचायत दूधवा मल्लीनाथ, जिसको अभी वर्तमान में जो सरपंच है श्रीमती पेम्पा देवी और उनके जो प्रतिनिधि है वो भूमाराम जी है। तो ग्राम पंचायत दूधवा मल्लीनाथ की हालात अभी आज हम जानेंगे। जैसे ग्रामीण यहाँ के जो रेवन्यू विलेज गांव है वहां से लोग हमारे साथ इकट्ठे हुए हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे कि यहाँ एक बहुत ही गंभीर, अगर गंभीर कहें तो क्या है, बहुत ही गंदी हालात का एक रास्ता है, उस पे हम आए हैं। हम भी गुजर के यहाँ से देखे हैं, निकल के देखा हमने भी, लेकिन हालात बहुत खराब है। तो हमारे साथ कई जो लोग हैं ग्रामीण, उनसे हम बातचीत करेंगे। तो आप पूरा नाम बताइए। बैनाराम जी। तो बैनाराम जी, ये कितने टाइम से आपकी ये जो रोड की समस्या है, कितने टाइम से? 20 साल से रोड समस्या, पानी समस्या हमारा, हमने रोड वाली बताओ खाली सारी सारी कोई समस्या है यहाँ के बारे संहिता कोई है ही नहीं सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने जो जनप्रतिनिधि सरपंच है उनसे बातचीत की? बातचीत की नहीं, सरपंच से करा देंगे जो भाई कब कराएंगे। हमें इधर घूम तो लेना आता, हमारा 1000 रुपया लगता है टंकी का जी। इधर उनका घलता नहीं है, 2 टायर लाता में कैसे था। बिल्कुल बिल्कुल। तो और भी हमारे साथ ग्रामीण है, उनसे बातचीत करेंगे। बहुत ही नमस्कार। हाँ सर। तो आपकी ये रोड की जो समस्या है, जैसे अभी आपने बताया है कि ये रोड, कैमरा मैन से कहूंगा कि ये रोड का दृश्य दिखाया जाए थोड़ा, कि पता चले कि कंडीशन क्या है। जैसे ये अभी जो आप कैमरे के अंदर जो देख रहे हैं, जैसे गिट्टी विट्टी पड़ी है, ये भी ग्रामीण बता रहे हैं कि हमने हमारे ग्राम वासियों से और चंदा करके ये डलवाया हुआ है, कि पंचायत और राजकोष से कोई फायदा नहीं हमारे को यहाँ पे, राज्य सरकार का, केंद्र सरकार का किसी प्रकार का इस रास्ते पे कोई बजट नहीं लगा हुआ। तो हमारे साथ बहुत जी, इनसे भी बातचीत करेंगे कि ये कितने टाइम से है, क्योंकि ये बहुत ही पुराने यहाँ रहने वाले हैं और यहाँ इनकी जमीन जायदाद है। तो इनसे बातचीत करेंगे भी रास्ते की समस्या कब से और कितने समय से। तो नमस्कार। हाँ सर। तो आपकी ये समस्या जो रास्ते की है वो कब से है, कितना? हाँ सर, हमारे 2002 से। जी ठीक है ना। जी जी। ये 2002 से ये मुड नखा हुआ। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। ये कोई कार्रवाई नहीं की, नहीं कोई किसी ने। बिल्कुल। सरपंच दो हो गया, मतलब ये रोड बनने के बाद में दो कार्यकाल निकल गए। जी जी। तो कोई भी माने का करो ये कि न क्यों नहीं करे। बिल्कुल बिल्कुल। ये रास्ता तो ये बरसात से टूट जाता है मुड़िया तो। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, वो रोड है थोड़े वाली। बिल्कुल। तो वो तो बजट अमरराम ने दिया था। बिल्कुल। वो बजट कहाँ जगह लगाया, कहाँ जगह नहीं लगाया, वो कोई पता नहीं। जी, जी। वो एक भाई यार 500 या 400 नहीं, 200 मीटर तक वो आपने देखी होगी। बिल्कुल बिल्कुल। वो बिल्कुल भी धोरे को हिदो करना बीजो को कोई मतलब इनकी व्यवस्था है ही नहीं हमारी। अच्छा, पानी की बिजली तीजी कोई हमारे आने में व्यवस्था है ही नहीं। लाइट पानी की? लाइट नहीं तो भले अब हो गई सर। अच्छा, हमें वो क्यों छुट्टी तो हमने कह नहीं सकते। ठीक है ना। पर वो तो वो दीनदयाल योजना से लौटा है। तो पानी पानी आने की कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। ठीक है, पाइप डालिया है वो व्यवस्था आज कोई नहीं। अच्छा, अभी यहाँ जो वर्तमान सरपंच है उनसे आप मिले? हाँ, उसी में बात नहीं, मैं किन्नी थी अब जब मैं क्यों मटे दलडा तो बुरा हो, सिर्फ दो टोली एक बना खा घी है ना रमेशरी। बिल्कुल। उठे एक दो टोली जो कट्ठे कहा तो न खाए। तो ये रोड कहाँ से, कौन से गांव से? हाँ, अपने भाई मल्लीनाथ या नीमली पाने ये रोड बढ़ला जा रही, वो रोड से निकलता है। बिल्कुल। और रास्ता अपने 10 किलोमीटर तो अपने स्कूल है। बिल्कुल। 2 किलोमीटर
8 किलोमीटर यह है बिल्कुल। अनमर ग्रामीण है जो कि हमारे घर काबे है, मतलब कम से कम 1.5 किलोमीटर में होगा बिल्कुल बिल्कुल। हाँ 8-9 किलोमीटर का, हाँ 9-10 किलोमीटर हम अजी लोग बिल्कुल 10 किलोमीटर भाव में कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन कर क्यों नहीं रहे, हमें क्यों कहीं हुआ, हमारी तो मैं हम कहीं है, हम तो कहने मतलब झूठी नहीं कहूंगा बिल्कुल कभी व्यवस्थे हो मैं देना बिजी भी मैं रहा हूँ बिल्कुल हर टाइम हर भाजपा में रहते हैं ठीक है ना। तो वो मतलब सब है हमारे हमारे गांव कांग्रेस ही ज्यादा बिल्कुल, देखो इस विजय से कोई सुनवाई नहीं। तो इसका मतलब आपका मानना और कहना यही है हाँ। कि जैसे यहाँ पार्टी पक्ष चल रहा है, पार्टी पक्ष बिल्कुल बिल्कुल ये पार्टी पक्ष का विरोध आबाद है, उसकी वजह से आपका काम नहीं हो रहा, नहीं इस विजय से नहीं होता बिल्कुल। हमारा कहना यही है ऊपर आप मैं तो हमारे साथ और भी यहाँ ग्रामीण है उनसे भी बातचीत करेंगे। तो बाबू जी आप बताइए कि आप इस रास्ते के ऊपर ही आपका मकान है, तो आपको आने जाने में कैसी परेशानी होती है, क्या दिक्कतें आ रही है, क्या आप जनप्रतिनिधि एमएलए एमएलएड एमपीलेड प्रधान जी और सरपंच साहब से किसी से मिले? सर से मिले साहब, ये है नया की डाणी जी, नया की डाणी शुरू से ये है बीजेपी बिल्कुल बीजेपी है। कांग्रेस वाला जो कोई अगर यहाँ अगर एमएलए बना है बिल्कुल, तो हम उनके पास गए हैं बिल्कुल, वो कहे हमें तुम्हारे पास तुम्हारे लिए बजट है नहीं बिल्कुल बिल्कुल। और आपने देखी है रोड तो ये हालत है बिल्कुल, अगर रोड बनी है उन्हें बाद में सरकार एक पैसों भी बाद में लगा नहीं है बिल्कुल बिल्कुल। और उन्हें बाद कई बार दौरे पे दर्डा पड़ गया था बिल्कुल 20-20 फुट पड़ गया था जी, हमारा राम जी अष्टम भाई 16 लाख रुपया दिया बिल्कुल, 2 साल तक वो पैसा कोई लगाउन नहीं दिया बिल्कुल। क्यों बीजेपी आदमी निकल कर दो बिल्कुल, आखिर मोहन खेत सिंह ने वे पैसे लिए जी, तो वे ये मजबूरी आती बनी है बिल्कुल भाई, बना दी नहीं खेत सिंह ने जी जी, तो कभी तो रोड़ गया थे बिल्कुल, कभी अटकाए थे बिल्कुल, तो वो इतना दौरो करो है बिल्कुल। अब आप देखिए खेत सिंह क्यों है, बाकी पूरी रोड कोई हालत नहीं। मानना आपका यही है कि मेन मुद्दा इसी पे अटका हुआ है, राजनीति क्या शिकार हो रहा है आपकी, जो ये नाइयों की ढाणी है ग्राम पंचायत रेवन्यू विलेज गांव है वो एक राजनीतिक शिकार हो रहा है, क्योंकि आप भाजपा से बिलोंग करते हैं, वर्तमान में कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस के लीडर है, इसीलिए आपकी ग्राम पंचायत में ये रेवन्यू विलेज है नाइयों की ढाणी, इसमें ये इस रोड की समस्या का समाधान नहीं है, ये ऐसे नहीं हो रहा बिल्कुल। खास तो ये बात है जी, इन वास्ते ये काम नहीं हो रहा है जी, और बाकी रो कहीं है कोई भी अगर जे काम अमरा राम जी एक बार दियो तो होने नहीं देते बिल्कुल बिल्कुल। और मैं तो अटो प्रस्ताव भेज दो तो आगे भेजे भेजे को नहीं अटका दे, हाँ बिल्कुल मान लो किसी प्रशासनिक अधिकारी से मिले कलेक्टर महोदय से या किसी से, कलेक्टर तो मालूम जाओ नहीं कौन दे, मैं तो और हमके हो जाए वो हमारे हो जाए और गुस्सा देते जाओ। तो हमारे साथ और भी यहाँ के जो ग्रामीण है रमेश जी उनसे भी मिलेंगे हम, क्योंकि ये एक यहाँ के जागरूक इंसान है और पढ़े लिखे हैं, युवा है, ऊर्जावान है, तो इनसे भी हम बातचीत करेंगे कि यहाँ ऐसी क्या समस्या है, राजनीतिक पर्पज से ये काम क्यों नहीं हो रहा है, इसका कारण क्या है। सर समस्या में क्या बताऊं, मैं बताने के लायक कुछ है नहीं बिल्कुल, मैं मेरे हिसाब से मैं 32 साल का हो गया बिल्कुल, मैं 12 साल के बाद यही समस्या देख रहा हूँ जी, खाली दोनों पार्टियां आती है, हमारी पार्टी कट्टर बीजेपी है कट्टर कांग्रेस, हम नहीं और सुथार है ना जी, और हमारे पड़ोसी है जानी चौधरी वो हमारे साथ भी जीवित है, बाकी एरिया भी तो काफी लोग हो गए, फिर भी उनकी वजह से हमको हमारे दबाव में काम दो, अगर हमारी पार्टी ने काम दे दिया बिल्कुल, काम दे दिया हमारी पार्टी ने, समझो किसी ने काम अमरा राम जी ने दे दिया, कनक सोना राम ने दिया दे दिया, तो ये लोग जितनी भी चलेगी तो कुछ ऐसा करेंगे या टेंडर में कोई भी वादे डाल के काम करेंगे बिल्कुल। थोड़ा बहुत हमारा साहब ने पैसे मेरे हिसाब से लेफ्ट करवा दिया बिल्कुल, और अमराम जी वाले पैसे वो लेफ्ट होने नहीं दिया, हमारे कोई हमारे साथ में थे हमारे गांव वाले उसके हिसाब से, वो भी काम खेत सिंह ने करवाया, खेत सिंह के भगवान हजार उम्र करे, उसकी वजह से हम थोड़ा चढ़ने के लिए आसान चलते हैं, वहां से चढ़ने के लिए आपने देखा ही बिल्कुल बिल्कुल चढ़ने के लिए बहुत, और दूसरे में कोई भी यहाँ अगर कोई हमारे घर पे कोई डिलीवरी होती है कोई कोई मरीज हो जाता है, हमको 20 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है, आसान जाना, आपने रास्ता देखा बिल्कुल, लेडीज देखा वो भी नहीं, और दूसरे में कोई 1 रुपये की चीज होती है वहाँ 5 रुपये यहाँ पहुँच रही है, समस्या में कहने के लायक तो कुछ है ही नहीं, यहाँ पड़ी हुई है पार्टियों, बस इनका वोट होने चाहिए, सुनाव के टाइम मीठे मीठे बोलेंगे, लोगों को गाड़ी में डाल के लेके घेराबंदी करेंगे, बस वोट हो गए उसके बाद कुछ नहीं, कान के पीछे भी नहीं और बोलने के लायक कुछ है नहीं, समस्या इससे ज्यादा कि आपको दिखाई में। तो आप इन जो आपके जो वर्तमान सरपंच है और जैसे वर्तमान प्रधान है एमएलए है
एमपीले है, सांसद है, इनसे आपने अभी किसी से मिलकर बातचीत की इस रोड की? सर ऐसा है, मैं तो देखो मैं तो कट्टर भाजपा आदमी प्लस जो मेरा बंदा रहेगा, अगर कोई भी सुना में रहता है जो हमारा पार्टी का बंदा उसके साथ रहता हूँ मैं। उसके बाद अगर हमारा बंदा पार नहीं हो तो हम जाने के लग रहे नहीं जाता हूँ, ध्यान नहीं मैं कहीं जाता हूँ नहीं, उसको बोलता हूँ सही गड्ढे बहुत बड़े बड़े गड्ढे पड़े, मैं बोलूंगा नहीं उनको दिख नहीं रहेगा, मैं एक साथ में था बाकी ये बुजुर्ग लोग साथ में थे, बिल्कुल बिल्कुल उनको दिख नहीं रहा है क्या कितना सामना करना पड़ रहा है? बिल्कुल सही है। तो ये लोग उन लोग को सोचनी पड़ती है ना यार, वो मदन जी प्रजापत लिस्ट दिखा रहे हैं मैंने इतना कार्यकाल में इतना काम किया, यहाँ रोड बनाई ये बनाई बिल्कुल ये देखो ना काम आ रहा है, ये पशुपुरा में पड़ता है हमारा, बिल्कुल, बिल्कुल। आप ये देख के आए पर मदन का एरिया है, मदन प्रजापत का एरिया है, बिल्कुल बिल्कुल। और ये आप आगे देख के आए, ये बिल्कुल देख के आए, बिल्कुल भाई तो पंचायत में देखा आपने, ये रोड भी छोटी रोड नहीं है, बिल्कुल ये दूध वास से गिरा जाती है रोड, यहाँ पे बहुत लोगों को आना जाना है, बिल्कुल कई बार लोग गिर गए, दो बार मैं खुद हॉस्पिटल लेके गया हूँ, कई बार लोग गिर गए हैं यहाँ खड्डे के अंदर, वो आसान दूध नया नया बंदा आता ना कोई बाइक चलाने नहीं आती, कोई भी खड्डे का मालूम नहीं, मैं अगर दूसरी रोड जाऊंगा नया नया मेरे को पता नहीं रोड के अंदर खड्डा है, मैं भी गुस्सा हूँ, कई बार दो तीन लोग गिरे हैं यहाँ, हमारे घर पे कोई प्रोग्राम रहता है जी। कोई भी गंगा प्रसाद या शादी समारोह कोई हमारे मेहमान अनजान मेहमान आते हैं वो अंदर गिरते हैं, वो आना जाते नहीं है, और दूसरे में वो अगर भूल में आ गए तो खड्डे के अंदर गिरते हैं, उनको पता नहीं रोड की स्पीड क्या, गाड़ी के हालात खराब है तो इसकी वजह से, दूसरे में रोड तो है ही, रोड के अलावा हमारे पानी की समस्या है, ये लाइट की समस्या है, हमारे कैलाश जी का बहुत बढ़िया कैलाश जी आदमी अमराम जी हमारी थोड़ी सर्वतमान सरकार थी, ये रोड ये लाइट के कनेक्शन में मनमानी से हुए थे, बिल्कुल उनकी चाल चली नहीं थी, फिर भी मैंने वो सपोर्ट से मेरा काम होगा, अभी हो नहीं रहा है कुछ, अभी हमारे कहाँ पानी के पाइप डाल दिए हैं, बिल्कुल कुछ है ही नहीं, हो तो अभी वर्तमान में पानी की क्या स्थिति, कहाँ से लाते हो पानी? दूध वा से आता है, सनतरा से आता है, अच्छा सनतरा से 1200 लगते हैं, दूध वा से लगते हैं 1000 रूपए टंकी, वहाँ टैंकर के वहाँ दोरे तो दो ट्रैक्टर टॉर्सिंग के तो भी नहीं चढ़ता है पानी, बिल्कुल। और आपने रोड देखी क्या हाल थी? बहुत गंदी, और शिक्षा की यहाँ भी बहुत बड़ी कमी है जी, क्यों मास्टर कैसे आए बेचारे, बिल्कुल शिक्षा भी, रोड भी नहीं है, रोड भी नहीं, नहीं होगा तो सही है, और भी नहीं चलता। मदन जी ये भी नहीं सोच सकते चलो ठीक है, और जी आरजी तो होने के बाद सब एक समान होते हैं, बिल्कुल ये कभी हम लोग को पूछा तक नहीं है, बिल्कुल उनके बीच में चमचे हैं, बिल्कुल बिल्कुल वो चमचे लोग को पूछ देते, वो बोलते हैं वैसे हो गया काम बस, फिर क्या है, बिल्कुल सही। हम तो आशा भी नहीं करते हैं कांग्रेस से, फिर भी उनको सोचनी चाहिए, हम आशा नहीं करते हैं, हमारी सरकार डाउन होगी हम आशा नहीं करते हैं, हमारी सरकार आएगी हम आशा करेंगे, बिल्कुल फिर उनको शर्मानी चाहिए, ये वोट के लिए सरपंच का वोट होगा तभी आएंगे, कांग्रेस से अभी वोट होकर वोट आ गया तो मीठे मीठे बोल लग जाएंगे। देखो जनप्रतिनिधि कोई भी है किसी प्रकार का अगर चुनाव लड़ रहा है, चाहे एमपी एमएलए प्रधान ग्राम पंचायत का सरपंच या पंचायत समिति सदस्य, वो किसी प्रकार का अगर चुनाव लड़ रहे हैं तो उनके लिए जीतने के बाद जनता सभी एक समान, सब एक समान होनी चाहिए, हमारे यहाँ नहीं है एक आंख डाउन है उनकी नजर में, नहीं है इससे अच्छा हम अगर केसिंग को बोल देना ये तो केसिंग कर देंगे, लेकिन उनका हक भी नहीं है, बिल्कुल क्योंकि वो हमारे ज्यादा दूध का सरपंच सोना ही करता है, बिल्कुल लेकिन ये मल्लनाथ का नहीं करता है, बिल्कुल बिल्कुल सरपंच करेगा ही। तो आपका मान लो मानना यही है कि आपका जो ये नाइयों की ढाणी जो रेवेन्यू विलेज गांव है, जो मान लो दूधवा मल्ली दूधवा से लेके यहाँ तक की जो रोड है 5-6 किलोमीटर का दायरा है, तो इसके अंदर ये सिर्फ एक राजनीतिक शिकार की वजह से ही पड़ी, ये राजनीतिक शिकार पड़ी नहीं, हम पीछे हैं राजनीतिक शिकार से पीछे हैं, बिल्कुल बिल्कुल कुछ तो हमारे लोगों में खामियां हैं, बिल्कुल और कुछ ये लोग भी ऐसे ही है, दोनों की वजह से ये ऐसे ही पड़ा है, और ये जिंदगी भर मेरे हिसाब से ऐसे रहेंगे, बिल्कुल बिल्कुल मेरे को नहीं लगता ये रोड कभी डम्बरीकरण होगा, हमारा एरिया कभी आगे आएगा नहीं आएगा मेरे को नहीं लगता।